मैं हरियाणा की प्रथम महिला बस चालक हूँ और मैं सिरसा में राजकीय नेशनल महिला महाविद्यालय के अंदर 11 साल से सन 2007 से निरंतर सेवाएं दे रही हूँ अपनी चालक के रूप में। मतलब हरियाणा की पहली महिला बस चालक हूँ मैं जी। तो लड़कियों की बस मतलब ड्राइवर हूँ और लगभग रानिया और एलनाबाद तहसील के 27-28 गांव हैं मेरे पास और ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़कियां हैं मैं उनको लेकर के कॉलेज लेके आती हूँ और वापस छोड़ती हूँ। मैं सर फरीदाबाद से हूँ और मैं फरीदाबाद के एक गांव धोज वहाँ की सरपंच हूँ और मुझे सरपंच बने तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं और मैं सरकार के इस फैसले से खुश हूँ कि उन्होंने पढ़ी लिखी सरपंचों को चुना है क्योंकि इससे सबसे अच्छा जो असर हुआ है कि पढ़ी लिखी सरपंचेज आगे आई हैं। दूसरी बात यह कि जो सरपंचेज आगे आई हैं तो उनको देख के जो लड़कियां हैं उनमें उत्साहित होता है कि हाँ अगर ये सरपंच हैं तो हम भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा हुआ है सर हमारे गांव में क्या होता है कि 8th या 10th क्लास के बाद लड़कियाँ बैठ जाती हैं हमारे गाँव में क्या मैक्सिमम गाँव में ऐसा होता है और उसके बाद शायद पेरेंट्स उनको कहते हैं कि नहीं जाना स्कूल नहीं जाना अब यहीं तक ही सीमित है तुम्हारा काम क्या है खाली झाड़ू पोछा इससे आगे कुछ नहीं। उसके बाद सर जब मैं सरपंच बनी थी मेरे जो काम हुए थे मैंने अपने गांव में काम भी कराए हैं काफ़ी सिलाई सेंटर्स वगैरह खुलवाए हैं लड़कियों को सिलाई सीखनी थी वहाँ कोई सेंटर नहीं था हमारे गाँव की आबादी मैं छोटे हैं बहुत गरीब परिवार से हूँ मेरा गुजारा भी नहीं होता था पहले अब मैं अपने परिवार का भी गुजारा करती हूँ मेरे साथ 20 महिलाओं का भी गुजारा होता है इसलिए मैं चाहती हूँ जो भी महिला ये कहती है कोई काम नहीं है मैं कहती हूँ काम बहुत है काम करने के लिए। आज मैं एक ही बात मेरा सपना था मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊँ मेरा मेरे नाम से ही मतलब जाने तो आज वह हकीकत में मेरा सपना पूरा होने लगा मेरा परिवार का भी गुजारा हो रहा है मेरे साथ 20 परिवारों का भी गुजारा हो रहा है। पहले मैं बैग सिलती थी सरस मेले भी करती हूँ अब मैं सर वैसे तो मैं पिछले 20 सालों से ना फील्ड में हूँ सामाजिक कार्य लेकिन मेरा मेन काम है मैंने कन्या भ्रूण हत्या फीमेल फिटिसाइड और महिला सशक्तिकरण के लिए मेन काम किया है। 2006 में हमने एक मुहिम चलाई थी जिसके तहत हमने पूरे हरियाणा में महेंद्रगढ़ से लेकर चंडीगढ़ तक बेटी बचाओ को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम एक रैली निकाली थी। उसके बाद धीरे धीरे हमने गाँव में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों से संपर्क करके कि भाई बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है। 2008 में मैंने पहला कुआ पूजन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गांव नांगलसरोई में किया उसकी मुझे आलोचना भी सहनी पड़ी कुछ भाई लोग ऐसे थे कि भाई कन्या के जन्म पर कुआ करने से कुआ पूजन करवाने से क्या वो बेटा बन जाएगा। पर मेरी सोच सिर्फ ये रही है कि किसी भी तरह से सरकार बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है अच्छी अच्छी योजनाएं हैं लेकिन आम जन जब तक उनको फॉलो नहीं करेगा दिल से नहीं मानेगा उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। जैसे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सरकार बनते ही पीएम बनते ही पानीपत से बेटी बचाओ का एक आह्वान किया था उस टाइम से ये एक स्टैंप के तौर पे हुआ कि हर आदमी ने इसको फॉलो किया। लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे मैंने 2008 से ये शुरुआत की थी समस्याएं भी आई लेकिन